गंभीर, पूछ इससे बेटा कि सच क्या है। पापा ने अपना सच बताया, अब तुम अपना सच बताओ, और इस बार कोई झूठ नहीं। मेरे पापा ना तो अच्छे पति थे, ना अच्छे पिता थे, और ना ही अच्छे इंसान। वो रोज शराब पी करके मेरी माँ को मारते थे, पीटते थे। वो बेचारी चुपचाप सब कुछ सहन करती थी। एक दिन पापा बहुत नशे में थे और उन्होंने मुझे शराब के अड्डे पे जाने को कहा बॉटल लाने के लिए। मम्मी ने मना कर दिया कि मेरा बेटा ऐसे किसी जगह पे नहीं जाएगा। पापा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मम्मी को मारना शुरू कर दिया। मैं बहुत छोटा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। देखते देखते पापा ने मुझे भी मारना शुरू कर दिया। मम्मी ने मुझे बचाने की कोशिश करी पर पापा के सर पर खून सवार हो गया। उन्होंने चाकू उठा लिया, मुझे मारने के लिए आगे बढ़े। मुझे लगा आज मैं नहीं बचूंगा, लेकिन अचानक पापा का हाथ रुक गया और वो जमीन पर गिर पड़े। मैंने देखा तो मेरी मां के हाथ में सिलबट्टा था जिसपे खून लगा हुआ था। मेरी मां ने अपने पति को मारा नहीं बल्कि अपने बेटे को बचाया है। और फिर मां ने खुद पुलिस को फोन लगाया और अपने आप को सरेंडर कर दी और मुझे कसम दी कि मैं कभी किसी से नहीं कहूंगा कि वो मेरी मां है और मैं उसका बेटा हूं। हर मां अपने बच्चे के लिए जान देती है। मैंने तो सिर्फ 15 साल दिए। अब आप ही बताइए, अगर मेरी जगह कोई भी मां होती तो क्या करती? यही करती ना? ये मुझे बिल्कुल सही लगा, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, वेरी इंटरेस्टिंग। तुमसे बेटर कहानी थी इनकी। आप लोग एक काम कीजिए, दोनों माँ बेटे जो है ना अपनी ड्रामा कंपनी लेके यहाँ से चले जाइए प्लीज, है ना, तुरंत के तुरंत। बहुत बड़ी मेहरबानी होगी क्योंकि हमें ऐसे धोखेबाज और झूठे और फरेबी लोगों से अपना रिश्ता नहीं जोड़ना है। टिम्पी और टीटू की शादी नहीं होगी और ये मेरा आखिरी फैसला है, मेरा आखिरी फैसला है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।